कोरोना का जो महामारी पूरे देश में फैला था उसके बाद सरकार जो है सकते में आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका वैक्सीन आने लगे हैं और उसकी तैयारी आज आप सदर अस्पताल में देखेंगे, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद किस तरीके से लोगों को उसका टीकाकरण लगाया जाएगा, कैसे वैक्सीन दिया जाएगा, इसको लेकर के आज ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन का मतलब मॉक ड्रिल हुआ एक तरीके से, कि आज उसका एक डमी चेकअप होगा कि किस तरीके से लोग आएंगे, क्या क्या सुविधाएं रहेगी। हाल हम है सदर अस्पताल में, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ पे लगा हुआ टेप, सबसे पहले यहाँ पे सुरक्षा गार्ड के द्वारा टेम्परेचर मापा जाएगा, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं सबसे पहले उनका नेम मेंशन करके और उसके बाद उसका टेम्परेचर मापा जाएगा, ये सबसे पहला स्टेज होगा। तो खास करके अभी जो है जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि अगर हमें टीका देना हो उस समय हम लोग किस तरीके से हालात से निपटेंगे। टेम्परेचर मापने के बाद एक बगल में एक रूम बनाया गया है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति टीका लेने आया उसका इन्फॉर्मेशन नोट किया जाएगा, उनका आई कार्ड चेक किया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो उनका वो वही व्यक्ति है कोई और है, इस बात की तहकीकात की जाएगी। तो अभी यहाँ पे लोग हैं जिनको टीका लेना है वो लोग आएंगे और यहाँ पे उनका आइडेंटिटी चेक किया जाएगा। इसके बाद सीधे सामने रूम है जिसमें टीकाकरण लगना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीका का मॉक ड्रिल चल रहा है, ड्राई रन है और आप देखिए जैसे स्वास्थ्यकर्मी है उनको लगाया जा रहा है इस तरीके से। तो ओवरऑल टीका से पहले की जो तैयारी है वो यहाँ पे सदर अस्पताल में देखी जा रही है। सबसे पहले टीका का जो प्रक्रिया है वो दिखाया जा रहा है किस तरीके से देना है। टीका लगने के बाद जो भी टीका लेंगे उनको इस रूम में जा करके रेस्ट करना है, ओवरऑल 30 मिनट रेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि जिनको टीका दिया जाएगा उनको आधे घंटे तक वेट करना है। तो ये आपका वेटिंग रूम है, यहाँ पर जिनको पहले से टीका लगा है वे सभी लोग वेट कर रहे हैं और आधे घंटे वेट करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि उनके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, यहाँ पर उसके लिए गाइड भी रहेंगे। मैम यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो वहाँ से टीका लेकर आएंगे तो हमको यहाँ पर आधा घंटा बैठाना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हमको बताएं। मतलब जिनको सिचुएशन गड़बड़ होगी उनके लिए, हाँ तो यहाँ पे आधे घंटे वेट करना, हाँ वेट करना है, ये लोग वेट कर रहे हैं जितने। तो ये प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका टेम्परेचर मापा जाएगा, उसके बाद दूसरे रूम में जाना होगा और उस रूम में जाकर के आपका आइडेंटिटी चेक होगा, आपका आई कार्ड चेक होगा और फिर जाकर टीकाकरण होगा और फाइनली आपका वेटिंग रूम है जहाँ पे जो भी टीका लेंगे वो यहाँ पे वेट करेंगे कम से कम 30 मिनट तक और 30 मिनट बाद चेक किया जाएगा कि उनके हालात क्या है, कोई प्रतिकूल स्थिति तो नहीं हो रही, उससे निपटने की भी पूरी तैयारी है क्योंकि हर जगह लोग लगे रहेंगे। इस अस्पताल के DPM हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रक्रिया है और क्या क्या तैयारी है। सर क्या तैयारी है, मतलब आज जो हो रहा है ये क्या है, मॉक ड्रिल, ड्राई रन? आज ये ड्राई रन है, यहाँ पे तीन जगह ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें कि एक सदर अस्पताल बक्सर में ड्राई रन किया जा रहा है। यहाँ पे जो मकसद क्या है सर, ड्राई रन का मकसद है कि जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसका, उसको पूरा यहाँ पे हम लोग ड्राई रन में कर रहे हैं, जिसमें कि शुरुआती दौर से जब बेनिफिशरी आएंगे तो उनको पहले क्या करना है, उनका थर्मल टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको हैंड वॉश कराया जाएगा, उनका नाम पता उन्होंने पहचान पत्र दिया है उससे मिलान किया जाएगा कि क्या जो बेनिफिशरी आ रहे हैं वो सही बेनिफिशरी हैं। उसके बाद जब वो सही मिलान हो जाएगा तो उसके बाद उनका डेटा कच्छ एक में भेजा जाएगा, जहाँ पर उनका डेटा का एंट्री किया जाएगा। डेटा एंट्री के बाद फिर कच्छ दो है जहाँ पे वैक्सीनेशन रूम है, जहाँ पे कि वैक्सीनेटर रहेंगी, वहाँ पे उनका टीकाकरण होगा। टीकाकरण के बाद फिर आधा घंटा उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पे कि उनको आधा घंटा रखा जाएगा, उन्हें देखा जाएगा कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो ये पूर्ण तैयारी हमारी कितनी, अगर वैक्सीन आ जाता है तो क्या तैयारी है सर? पूरी तैयारी हमारी पूर्ण रूप से हो गई है और हम लोग इसको सफल रूप से कर लेंगे। तो ये अस्पताल के DPM है जिन्होंने विस्तारवार बताया कि क्या प्रक्रिया है, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी आप देख सकते हैं किस तरह सर्कल बनाया जा रहा है कि इसी के हिसाब से हम लोग जो है इस सर्कल के हिसाब से। यहाँ पे सिविल सर्जन भी हैं जो तहकीकात कर रहे हैं, आइए हम इनसे भी कुछ समझते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। ड्राई रन जो है वो ये मकसद यही है कि हम लोग का क्या प्रिपरेशन है, कोई ये रोगी अगर आता है तो उसको वैक्सीन देने के लिए क्या क्या प्रोसेस से क्रॉस करना होगा, हमारे स्टाफ उसके लिए रेडी है कि नहीं, इसका हम लोग रिहर्सल करते हैं। इसमें सारा चीज़ प्रोसेस वही होगा, केवल इंजेक्शन जो है नहीं पड़ेगा, बाकी सब कम होगा। सर ड्राई रन के बाद जो वैक्सीन आ जाता है तो उसकी कितनी तैयारी है, हम लोग कितना? हमारे यहाँ पूरी तैयारी, उसी की ये मॉक ड्रिल हम लोग कर ही रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। तो ये अस्पताल के सिविल सर्जन सर हैं जिनका कहना है कि हम लोग पूरे तैयार हैं, अगर वैक्सीन आ जाता है तो उससे पहले की जो तैयारी हम लोग आज रिहर्सल कर रहे हैं एक तरह से, जिसे ड्राई रन कहते हैं, और उसके लिए अलग अलग चार कमरे बनाए गए हैं, अलग अलग सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर DS रूपेंद्र सर भी हैं। सर कितने तैयार हैं आप लोग? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं,
जब भी वैक्सीन आएगा हमारा सारा वर्कर और हमारे सारे स्टाफ उसके लिए तैयार हैं और सब लोग ट्रेंड हैं और उस ट्रेनिंग के अनुसार हम लोग आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग वैक्सीन लेने वालों क्या प्रक्रिया अपना सबसे पहले क्या करना होगा जिनको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने के लिए सबसे पहले उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सभी तैयारी हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। ड्राई रन के लिए हम लोगों जो है जो प्रोसीजर है उसको हम लोग मिमिक कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखे होंगे कि ये इलेक्शन जिस तरह से होता है कि पोलिंग ऑफिसर 1-2 उसी के तर्ज पे यहाँ पे किया गया है। आप जहाँ पे अभी खड़े हैं वहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले वैक्सीनेटर ऑफिसर 1 होते हैं। जो भी कोई वैक्सीनेशन आएंगे तो सबसे पहले उनका आइडेंटिटी चेक करके उनको फिर अंदर जाने देंगे। फिर वहाँ पे वैक्सीनेटर 2 होंगे जो उसको जो है सिस्टम पे जो हम लोगों का बनाया गया है ऑनलाइन जो डाटाबेस है हमारा डाटाबेस में चेक करके उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद फिर वो जो है वैक्सीनेशन उनका होता है और वैक्सीनेशन के बाद उसमें वहाँ पे समय भी अंकित किया जाएगा और उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन में हाफ एन आवर उनको रखा जाता है। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और हम लोगों का जो भी विभाग का जो भी डायरेक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे।